उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाने वाले हैं जिन्होंने पहले कभी स्केटिंग नहीं किया है। आप सिर्फ 6 दिनों में स्केटिंग कैसे सीखेंगे ये आज मैं बताने वाला हूं। फर्स्ट स्टेप से लेके पहला दिन में क्या करना है, सेकेंड डे में क्या करना है, ऐसे 6 दिन तक आपको कौन से किस तरीके से आपको स्केटिंग करना है ये मैं आज बताने वाला हूँ। मेरे साथ मेरी रेल स्टार स्केटिंग टीम मौजूद है और ये वीडियो बहुत सुपर हिट होने वाला है। पहले दिन आपको स्केटिंग में किस तरह से खड़ा रहना है और किस तरह के बैलेंस रखना है। पहले आप लोग स्केटिंग पे खड़े हो जाओगे, फिर आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस आगे की तरफ रखना है, आगे की तरफ। अगर आप पीछे की तरफ बैलेंस रखोगे तो गिर जाओगे और आपको इंजरी की चांसेस हो सकती है। इसलिए कभी भी स्केटिंग करेंगे आप फर्स्ट डे से तो आपको जस्ट होल्ड योर नी एंड स्टैंड लाइक दिस और आपका पूरा बैलेंस आगे की तरफ होना चाहिए। अब मेरे बच्चे लोग, हम लोग के स्टूडेंट, आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से फर्स्ट डे पे आपको पोजीशन लेके वॉकिंग करना है। कहेंगे कि ये लोग अपना नी पकड़ के धीरे धीरे वॉकिंग कर रहे हैं, आपको रोलिंग जरा भी नहीं करना है। अगर आप रोलिंग करोगे और आपका बैलेंस पीछे छोड़ोगे तो आप गिर जाओगे। आप जितना स्लो हो सके वॉकिंग करो, स्टॉपिंग स्टॉपिंग में, एकदम धीरे 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 वॉकिंग करना है। हाफ स्टेप में यू हैव टू टेक वेरी स्मॉल स्मॉल स्टेप। मैंने देखा कि रेल स्टार टीम ने आपको नी होल्ड करके वॉकिंग करके बताया, वैसे आपको सिर्फ 2 राउंड मारना है, नी पकड़ के सिर्फ 2 राउंड करना है। 2 राउंड के बाद आपका जो नी पकड़ा हुआ है वो आपको छोड़ देना है और छोड़ने के बाद आपको वापस वही पोजीशन में बिना नी पकड़े हुए आपको वॉकिंग करके करना है। ये प्रैक्टिस आपको 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा रुक रुक के करना है। अभी मैं दिखाता हूं आपको कि बिना नी पकड़े आप कैसे वॉकिंग करेंगे। अभी 2 राउंड के बाद को आप अपना हाथ छोड़ना है और धीरे धीरे आप बिना नी होल्ड करे वॉकिंग करना है, एकदम स्लोली स्लोली वॉकिंग करना है ताकि आप गिरे नहीं। आपका रोल होने से रोकना है, अपने स्केट को रोल नहीं होने देना है, एकदम धीरे धीरे वॉकिंग करना है। सेकेंड डे में आप देखे होंगे कि सब स्केटर्स लोगों ने अपना पाव छुट्टा रखा है। छुट्टा रखना है यानी आपको अपना पाव सिमिलर टू शोल्डर रखना है, आउट ऑफ द शोल्डर नहीं निकालना है। अगर आपका पाव आउट ऑफ द शोल्डर हो गया तो आप गिर जाओगे क्योंकि आपका आज सेकेंड डे है। सेकेंड डे पे आपको अपना पाव सिमिलर टू योर शोल्डर रखना है, यानी शोल्डर के समांतर रखना है, अंदर नहीं रखना है, शोल्डर के समांतर रखना है और बेंड होना है और वॉकिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। मेरे स्टूडेंट आपको अभी करके बताएंगे। बेंड डाउन एवरीबॉडी, वॉक एकदम धीरे धीरे, पाव छुट्टा रख के वॉकिंग करना है एकदम स्लोली स्लोली। बैलेंस आगे रखना चाहिए, बैलेंस आगे, स्लोली स्मॉल स्टेप, एकदम स्मॉल स्मॉल स्टेप में वॉकिंग करना है। सेकेंड डे आपका, सेकेंड डे में वॉकिंग करना है आपको स्लोली स्लोली। इस सेकेंड डे पे आपको पाव सिमिलर रखना है शोल्डर के और वॉकिंग करना है। अभी मैं आपको बताता हूं थर्ड डे पे क्या करना है। थर्ड डे पे आपको सिमिलर तो रखना है पाव, लेकिन थोड़ा सा वी करना है, वी शेप, लेटर वी, ऐसे वी में खड़ा रहना है और वी में खड़ा रह के पूरा बेंड होना है। अभी आप वॉकिंग करोगे वी शेप में तो आपका स्केट रोल होना चालू हो जाएगा और बिना पाव उठा के नहीं करना है, पाव उठा के ही करना है 1 2 3 4 ये टाइप में। अगर आप पाव उठा नहीं पा रहे हो तो आपका स्केट रोल नहीं होएगा। अगर आपको जल्दी जल्दी सीखना है तो आप पाव उठा के करना है आप लोगों को। अभी मेरे रेल स्टार स्केटिंग के सब स्टूडेंट लोग करके बताएंगे कि वी शेप में वॉकिंग कैसे किया जाता है। स्टार्ट एवरीबॉडी, वी शेप, हाथ छोड़ के बेंड डाउन, वेरी गुड। आप अभी देखते होंगे कि आधे से भी ज्यादा लोगों का स्केट रोल हो रहा है, रोल हो रहा है और आप धीरे धीरे स्केटिंग सीख रहे हो। ये वी शेप का फायदा होता है, बैलेंस आगे रखना है। थर्ड डे पे आपने देखा कि वी शेप में आपको कैसे वॉकिंग करना है। अभी मैं आपको बताता हूं फोर्थ डे में आपको क्या करना है। अगर थर्ड डे पे आपको वी शेप में वॉकिंग अच्छी तरह से आ गई है तो फोर्थ डे में आपको दिक्कत नहीं आएगी स्केटिंग चलाने में, फोर्थ डे में आप सीख जाओगे।
अभी मेरे स्टूडेंट लोग बताएंगे, रेल स्टार स्केटिंग के सब जज बताएंगे कि फोर्थ डे में आपको स्ट्रोक कैसे देना है। आपको स्ट्रोक देना है, अभी वॉकिंग नहीं करना है। थर्ड डे पे आपने वॉकिंग किया वी शेप में, अभी वी शेप में आपको फोर्थ डे पे थोड़ा सा पाव को स्ट्रोक देना है, यानी आपका राइट लेग राइट साइड जाएगा, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड जाएगा, राइट लेग राइट साइड जाएगा, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड जाएगा। लेकिन एकदम लंबा पाव नहीं मारना, डोंट टेक बिग स्टेप। इफ यू टेक अ बिग स्टेप यू विल फॉल इमीडिएटली, सो यू हैव टू टेक वेरी स्मॉल स्मॉल स्टेप एंड यू हैव टू टेक अ स्ट्रोक। लेट्स सी, कम ऑन स्टार्ट, 1 2 स्लोली स्लोली बेंड डाउन, बेंड डाउन, एवरीबॉडी बेंड, एवरीबॉडी बेंड, बैलेंस आगे होना चाहिए, बैलेंस आगे। अभी आपने देखा फोर्थ डे में बच्चे लोगों ने आपको स्ट्रोक देना सिखा दिया। स्ट्रोक देने से क्या होगा कि आप स्केटिंग करना चालू कर देंगे, आप स्केटिंग करना सीख जाओगे। अभी फिफ्थ डे पे क्या करना है आपको कि सेम फोर्थ डे का स्टाइल फिफ्थ डे में कॉपी करना है, लेकिन हैंड मूवमेंट के साथ करना है। धीरे धीरे आपका हैंड मूवमेंट भी स्ट्रोक देते वक्त करना करेंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा। लेट सी, अभी हम लोग देखते हैं कि ये लोग हैंड मूवमेंट कैसे किया जाता है। स्टार्ट, स्लोली स्लोली बेंड डाउन, बेंड डाउन, बेंड डाउन, बेंड डाउन, बेंड डाउन, वेरी गुड। करने में बताने वाला हूं, अभी फिफ्थ डे पे उन्होंने स्ट्रोक देके हैंड मूवमेंट भी करके आपको बताया। अभी सिक्स डे पे आपको हम लोग करके बताएंगे एग्जैक्टली आपको क्या करना है। सिक्स डे पे आपको ये करना है, जरा भी फास्ट जाने की कोशिश मत करना। आपको जितना होता है उतना ही फास्ट जाओ, आपके कैपेसिटी के हिसाब से फास्ट जाओ। अगर आप फास्ट जाने लगेंगे और लंबा लंबा स्टेप मारने लगेंगे तो आप गिर जाओगे। इसीलिए सिक्स डे बहुत महत्वपूर्ण रहे, आप धीरे धीरे कंटिन्यूसली एक ही स्पीड में स्केटिंग करते रहना, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, तो आपको स्केटिंग 6 दिन में आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन से स्पीड में और कितना फास्ट, कितना स्लो और कितना बेंडिंग होना है, हैंड मूवमेंट कैसे करना है, ये मेरे सब रेल स्टार स्केटिंग के स्टूडेंट आपको बताएंगे कि लास्ट डे पे आपको किस तरह से स्केटिंग करना है। 6 दिन पे आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप स्केटिंग करने लगोगे। मेरे स्टूडेंट बताएंगे कितना बेंड होना है, कितना हैंड मूवमेंट करना है, कितना लंबा स्टेप लेना है आपको। आप फास्ट जाने की कोशिश मत करना, आपको धीरे धीरे सीखना है, नहीं तो आपको इंजरी हो जाएगी। अभी लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आपका 6 दिन पे आप कैसा स्केटिंग करते हैं। स्टार्ट, बेंड डाउन एवरीबॉडी, बेंड डाउन, मूव योर हैंड्स, स्लोली स्लोली करना है, एक ही स्पीड में, भागना नहीं है। आप जितना बेंड हो जाओगे उतना गिरोगे नहीं, और स्मॉल स्मॉल स्टेप में भागना है आपको, फास्ट नहीं करना है, एकदम धीरे 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 करना है। और आपका बॉडी पूरा बेंड होना चाहिए, बेंड होएंगे तो आप गिरेंगे नहीं, जितना होता है उतना ही फास्ट जाना है। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो।